हाँ जी, तो क्या हालचाल है आप सभी का। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने चहेते यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सरदारदी जर्नी। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक तथागत बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके विचार प्रसार और प्रचार करने का कार्य करते, और हाल ही में अभी हमने एक नया सिलसिला इस चैनल के माध्यम से शुरू किया है। ये इस चैनल के माध्यम से हम आप तक प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्मारक और प्राचीन बौद्ध स्तूप, ये सब इसकी जानकारी भी देने का कार्य हम कर रहे हैं। तो आज की जो जर्नी होने वाली है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट के भिवंडी तहसील के लोनार गांव में हम लोग आज जा रहे। इसी लोनार गांव के नज़दीक में एक लोनार बौद्ध गुफा है जो कि लगभग 1500 साल पहले बनाई हुई है। तो आज पूरे दिन के लिए आप हो मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ, और हम दोनों लोनार बौद्ध गुफा के साथ में। चलिए तो जर्नी को स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेज भान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान, वो राजपुत्र भोशुर वीर। और आप पीछे देख रहे हो लोनार की बौद्ध गुफाएं। लगभग ठाणे से हम निकले थे, ठाणे से लगभग ये लोनार बौद्ध गुफाओं का जो डिस्टेंस है लगभग 25 किलोमीटर है। अगर आप कल्याण रेलवे स्टेशन से आना चाहते हो तो सबसे नज़दीक है कल्याण रेलवे स्टेशन, वहाँ से इस लोनार बौद्ध गुफाओं का डिस्टेंस लगभग 12 किलोमीटर का है। और अभी हम पूरी तरह से ये लोनार की जो बौद्ध गुफा है इसकी जानकारी लेने वाले हैं। ये जो लोनार की बौद्ध गुफा है, ये ईस्वी सन 5वीं से 7वीं शताब्दी में इसका कार्य हुआ है, और सम्राट अशोक के जो वंशज है, जो कोकण के मौर्य, उनके कार्यकाल में इस लोनार की बौद्ध गुफाओं का कार्य हुआ है। ये जो लोनार की बौद्ध गुफा है इसकी जो जानकारी, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चलिए तो अब हम इस लोनार बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जब हम आते हैं तब यहाँ पे हमें एक लेफ्ट साइड में एक कुआं दिखता है, जो कि प्राचीन हर एक बौद्ध गुफाओं में दिखता है, जिसका साइज लगभग 12x12 का होता है। आप पानी भी देख रहे हो, अभी भी पानी है, लेकिन ये कुआं शायद आधा अधूरा छोड़ा हुआ है और इसकी साइज भी बहुत कम है। अगर हम गहराई देखेंगे तो लगभग 10-12 फीट बराबर है, लेकिन जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कम है, क्योंकि ये कुआं आधा अधूरा छोड़ा हमें यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे ही हम अंदर आते हैं, अंदर जाने के लिए, तो हमें यहाँ पे चार स्तंभ दिख रहे हैं। आप देख सकते हो चार स्तंभ है यहाँ पे, और चारों स्तंभ पे देखिए अलग अलग नक्शे किए हैं, और यहाँ के जो तीन स्तंभ है वो अच्छी स्थिति में है अभी भी, और एक जो स्तंभ देख रहे हो आप पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और जो यहाँ पे आप एक देख रहे हो, यहाँ पे ये जो ये गुफा में, मतलब अंदर ही यहाँ पे भगवान गणेश जी का शिल्प बनाया हुआ है, जो कि शायद अभी के काल का रहेगा या तो 100-200 साल पुराना, इसकी पक्की जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी हमें दिख रहा है। जैसे हम इस लोनार बौद्ध गुफा के राइट साइड में आते हैं, हमें सामने यहाँ पे एक शिल्प दिखता है जिसमें अलग अलग मतलब मूर्तियां शिल्प की हुई है। तो ये जो वेशांतर राजा थे पूर्व काल में, जब जाचक कथा जब लोगों को बताई जाती थी बुद्ध के जन्म के पहले, तभी का ये चित्र बताया गया है, मतलब वेशांतर राजा और ये उनकी प्रजा है। तो ये इस जो लोनार बौद्ध गुफा की ये जो जाचक कथा है, इसका क्रमांक 547 है, और ये जाचक कथा में से सबसे आखिरी है, जो कि वेशांतर राजा के काल में, जिनका नाम था विश्वांतर नाम, जो वो काल में युवराज थे, और ये इनके जीवन के ऊपर ये सब शिल्पकला
तैयार की हुई है। और जो सामने हमें ये जो शिल्प दिख रहा है, इस शिल्प में हमें वो पूरी जो उनकी कहानी है, वे जो वेशांतर राजा थे, वो उनके जीवन में मतलब कैसे दयालु थे, लोगों के लिए मतलब कितना कार्य उन्होंने किया है, जो लोगों ने उनको जो चीज मांगी वो उन्होंने लोगों के लिए दी। और इसी महानते के लिए इस वेशांतर युवराज को, इस राजा को जाना जाता है। और अभी ये आप यहाँ पर भी देख रहे हो, अलग अलग शिल्प यहाँ पे किए हुए हैं। ये देखिए, ये पूरी मतलब जो कथा है, जाचक कथा, वहां से चालू होती है वेशांतर राजा के जीवन के ऊपर से, और यहाँ तक पूरी ये शिल्प बनाया गया है उसी के ऊपर। चलिए अब हम इस लोनार के बौद्ध गुफाओं के अंदर की जानकारी लेते हैं। जैसे हम अंदर आते हैं, हमें जैसे एक बाहर वरांडा था, वैसे यहाँ पर एक हमें वरांडा दिख रहा है। और यहाँ पे तीन द्वार दिख रहे हैं। एक द्वार यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में, एक द्वार वहाँ पे राइट साइड में, और एक ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है ये हमें दिख रहा है। और यहाँ से आगे हमें चैत्य में जाने के लिए रास्ता भी है। और यहाँ पे हमें जो मुख्य द्वार है बीच वाला, यहाँ के दो गेट के बाजू में दो हमें यक्ष दिख रहे हैं। और जो ये यक्ष है, ये यक्ष हमें और महाराष्ट्र की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं इनमें भी ये दिखाई देते हैं, जैसे कि त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं या तो कोंडाने बौद्ध गुफाएं, उसमें भी हमें यक्ष ऐसे दिखते। और जो ऊपरी जो हिस्सा ये दिख रहा है हमें, ये ऐसे दर्शाता है कि ये यक्ष ने ये पूरी प्राचीन बौद्ध गुफा जो है उसका मतलब जो वजन है अपने सर पे लिया हुआ है। और अभी हम अंदर भी चलेंगे, चलिए आपको अंदर भी दिखाते हैं। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या, इस खोज में सब कुछ त्याग दिया हर वैभव। चलिए अब हम जो लोनार बौद्ध गुफा का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां से हम लोग अभी अंदर आते हैं। और जैसे ही हम अंदर आते हैं, हमें यहाँ पे एक बड़ा सा सभा मंडप दिख रहा है। यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु रहते रहेंगे वो यहाँ पे कार्य करते रहेंगे या तो आराम करने के लिए। और यहाँ पे सामने आप देख रहे हो, जैसा कि मुख्य प्रवेश द्वार के सामने यहाँ पे एक हवन जो कि आज के काल का किया हुआ हमें दिख रहा है। देखो, ईंटों का बांधकाम है, पुराने काल की जो गुफा है वो पत्थरों में बने हुए, और ये जो हवन है ये हमें दिख रहा है ईंटों से बना हुआ, मतलब ये आज के काल का बना हुआ है। और ये सभा मंडप है। और यहाँ से राइट साइड का जो गेट है, वहाँ से जैसा हम अंदर आएंगे, हमें यहाँ पे भगवान गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे दिख रही, वो भी हमें दिख रही, ताकि ये जो पुराने काल में जो बनाया था इस बौद्ध गुफा को, तो ये जो है ये बौद्ध भिक्षु को जो रहने के लिए जो रहता है उसके लिए ये बनाया रहना है। लेकिन ये आधा ही काम इसका छोड़ दिया है। और अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये भी ईंटों कंक्रीट से बना हुआ है, और यहाँ पे भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापन की हुई है। अगर हम ये लेफ्ट साइड का जो प्रवेश द्वार है उसके सामने हम अगर आते हैं, तो यहाँ पर हमें ये देखिए, ये भी काम आधा ही छोड़ा है। यहाँ पे पुराने काल का काम है हमें समझ में आता है। और यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज जी की प्रतिमा यहाँ पे रखी हुई है। और पूरा ये जो सभा मंडप है अभी आज के काल में इसे लाइटिंग से सजा हुआ है। यहाँ की जो देखरेख व्यवस्था है अभी की, ये जो स्वच्छता है यहाँ की, मतलब ये तो हमें बड़ी ठीक ठाक लग रही है। और अभी हम सभा मंडप की जानकारी लेने के बाद जो मुख्य चैत्य की तरफ जो द्वार है हमें दिख रहा है जाने के लिए, स्टार्टिंग से हम लोग देख रहे हैं ये अभी के काल के सीमेंट और रेती से बनाए हुए जो पायरे हमें दिख रही है, आप देखिए आइए। और जो अभी इस बौद्ध गुफा को खांडेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है, यही वो खांडेश्वरी देवी है। सामने ये जो जब हम ऊपर आते हैं, जो चढ़ान चढ़ के नीचे जो गांव है, वो गांव को खांडेश्वरी गांव बोला जाता है, उसी के नाम से इस देवी को खांडेश्वरी बोला जाता है। यहाँ पे एक भगवान शंकर की पिंड भी यहाँ पे दिख रही है, हमें देख सकते हो आप। और यहाँ पे और एक भगवान की मूर्ति है, ये आप देख सकते हो, ये भी एक मतलब चैत्य बनाया जा रहा था लेकिन इसको आधा अधूरा छोड़ दिया है। और बाद के काल में लोगों ने इसे यहाँ पे, ये भगवान की मूर्ति यहाँ पे स्थापन की है। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये सरदार दी जर्नी ये चैनल है, ये सत्य आप तक पहुंचाने का कार्य करता है। हमारा किसी भी धर्म, किसी भी मजहब और किसी भी भगवान के खिलाफ हम लोग कार्य नहीं करते। जिसकी श्रद्धा है उस श्रद्धा का हम आदर करते हैं। हमारा चैनल का कार्य बस यही है कि लोगों तक अपना प्राचीन भारत का इतिहास पहुंचना चाहिए, और वही कार्य हम कर रहे हैं। अगर किसी के भावना को ठेस पहुंची रहेगी तो हम क्षमा चाहेंगे। इसी तरह आज पूरे दिन में हमने लोनार बौद्ध गुफा की
जानकारी ली है और हम इस चैनल के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे कि जो पुराने प्राचीन काल में इन गुफाओं का निर्माण क्यों किया गया था। जो प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु थे, जो व्यापारी वर्ग थे, जो इन बौद्ध गुफाओं को बनाने के लिए दान देते थे, दक्षिणा देते थे, जो व्यापारी थे, क्योंकि पुराने काल में सब व्यापार जो था वो सागरी मार्ग से ही होता था, मतलब जो पानी रहता है पानी से ही व्यापार था, इतने अच्छे रास्ते नहीं थे, तो जो व्यापारी वर्ग था उनको व्यापार करने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता था और जो बौद्ध भिक्षु थे उनको भी बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु, बुद्ध को लोगों तक पहुँचाने के हेतु वो लोग भी भ्रमण करते थे। और जो ये जगह, ये जो गुफा है, ये बनाने का मुख्य रीजन यही है कि बौद्ध भिक्षु को यहाँ पे निवास करने के लिए, या तो मेडिटेशन करने के लिए, या तो वर्षावास हेतु, जो कि जब बरसात का मौसम आता है तब बौद्ध भिक्षु इस जगह रह सके। और जो अब हम प्राचीन काल में अगर देखेंगे तो सबसे पुराना जो बंदर था व्यापार का, जो पुराने जमर का सोपारा, जो आज की डेट में हम उसे नाला सोपारा कहते हैं, व्यापार करने हेतु लोग सोपारा बंदर से ठाणे बंदर, ठाणे बंदर से कल्याण बंदर, कल्याण बंदर से आगे कर्जत बंदर और आगे बोरघाट से जुन्नर की तरफ ये रास्ता जाता था। तो ये लेनी, ये जो गुफा है ये क्यों बनाई है, ये सबसे पहले हमें जानना होगा। हम आज यहाँ पे आए हैं, आपको ये जानकारी दी, इस खांडेश्वरी मंदिर के जो भी हमने आपको प्रतिमाएं अंदर जो लगी वो दिखाई है, फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा। तो हम फिर से एक बार कह रहा हूँ, किसी भी धर्म के खिलाफ हम लोग नहीं है, लेकिन ये सच्चाई वो हमें दिखाई आपको देना है। हम खुद समझदार है, हम देख सकते हैं कि जो पत्थर रहता है, पत्थर में गुफा का निर्माण होता है, कार्य होता है, उसका कलर कैसा है, काला कलर है। और अभी के काल में हम देख रहे हैं इसे, देखो कैसा कलर किया हुआ है। तो इतना तो हमें समझ में आता है कि सत्य क्या है। अगर हम सत्य ही नहीं जानेंगे तो हम अंधेरे में ही रहेंगे। हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो इतिहास हमें लोगों तक पहुंचाना है। और ये ऐसा हमारा प्राचीन इतिहास की जो बौद्ध गुफा है, जो हमारे महाराष्ट्र में लगभग 1000 से ज्यादा संख्या में और पूरे भारत में लगभग 1200 से 1300 गुफा है, इनको हमें बचाना है, इनका संवर्धन करना है, ताकि यहाँ से भारत, ये जो गुफा है यहाँ पे भारत के तो लोग आते हैं, लेकिन विदेश से भी लोग इन गुफाओं को देखने के लिए आज भी आते हैं, क्योंकि इनका जो ये दर्जा है, ये बौद्ध गुफाओं का ये वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा है। और ये आज के वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी रही होगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग ये ऐसे प्राचीन चीज गुफाएं देखने नहीं आ पाते, जिनके कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, जिनको पैसे के प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, उन लोगों तक ये अपना प्राचीन भारत का इतिहास पहुंचना चाहिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और इस वीडियो को मैं अभी इधर ही समाप्त करता हूँ। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। जय भीम, नमो बुद्धाय।